अजमेर आए हुए हैं और हालात बहुत खराब है, रोड अच्छा नहीं है, गड्ढे हैं जगह जगह। किस तरह के गड्ढे हो रहे हैं? पानी गड्ढे में पानी भरा हुआ है और उसका पता ही नहीं चलता कि गहराई कितनी है, हाथ से हो सकते हैं इस तरह से। तो कहाँ से आप आए? भिलवाड़ा से आए हम। क्या लगता है अजमेर स्मार्ट सिटी है? हाँ, अजमेर स्मार्ट सिटी लग रहा है? स्मार्ट सिटी बिल्कुल नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? की प्रशासन ध्यान दे, थोड़ा रोड सही बनाए। आपका नाम बताइए। नेहा शर्मा। मैं यहाँ दौलतबाग फुवारे स्टैंड पे जय शनिदेव मंदिर है वहाँ पे खड़ी हुई हूँ और यहाँ पे सड़कें बिल्कुल ख़राब पड़ी हैं, गड्ढे खुदे पड़े हैं, आने जाने वाले लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है और पानी बाहर आ रहा है नालियों से बाहर निकल के, और बारिश का टाइम अलग है, आने जाने लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है, गाड़ियाँ बचा बचा के चल रहे हैं यहाँ पर। पूरे शहर में इस तरह के गड्ढे हो रहे हैं? हाँ जी, पूरे शहर में हो रखे हैं। तो प्रशासन को मैं चाहूँगी कि पूरी सड़कों पर, अजमेर की पूरी सड़कों पर ध्यान दें और यहाँ की सड़कें ठीक करवाएँ ताकि आने जाने वाले लोगों को तकलीफ ना हो। मैम, आए दिन हादसे होते हैं यहाँ पर, आए दिन हादसे होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। बारिश का टाइम अलग है, सुबह सुबह लोग जागते हैं अपनी जॉब्स वगैरह पे, तो काफ़ी प्रॉब्लम। मैं चाहूँगी कि बस मेरे से ये निवेदन है प्रशासन से कि यहाँ ये सब ठीक किया जाए। कितनी बड़ी लापरवाही करना पड़ेगी? प्रशासन बहुत लापरवाही कर रहा है, उनको मालूम नहीं है कि कैसी कितनी बहुत ही बुरी तरह से दुर्घटना हो सकती है यहाँ पर, और अगर बुरी दुर्घटना होगी तो इसका तो प्रशासन ही जिम्मेदार होगा ना। नाम बताइए। जी, मेरा नाम पूनम गीतांजलि है, मैं अजमेर शहर की जानी मानी सिंगर हूँ और मेरे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। थैंक यू। ये हॉस्पिटल रोड है और उसके जो मेन रोड है, कहते हैं कि यहाँ खुदा है वहाँ खुदा है, जहाँ नहीं खुदा वहाँ कल फिर बरसात आएगी फिर खुद जाएगा। तो शहर के हालात इतने ख़राब हैं कि निश्चित रूप से प्रशासन को इस ओर ध्यान देना होगा, PWD डिपार्टमेंट को ध्यान देना होगा, स्मार्ट सिटी में जो बैठे हैं हमारे पदाधिकारी उनका ध्यान देना होगा, क्योंकि शहर पूरी तरह से खुदा हुआ है और लोगों का आना जाना दुश्वार हो रहा है। तो इसलिए निश्चित रूप से जहाँ जहाँ खड्डे हैं उनको भराया जाए। PWD उस डिपार्टमेंट को विशेष ध्यान देना चाहिए कि बरसात आने से पहले और बरसात के बीच में PWD डिपार्टमेंट इन खड्डों को भराता है, तो उसके लिए रिपेयरिंग का कार्य होना चाहिए। अभी तक मुझे लगता है कि एक बार अभी बीच में जरूर मिट्टी डलवाई थी, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि फिर ये एक बरसात के और हो गई है, तो इस पर ध्यान देके और खड्डों को भराया जाए। पहले एक्सीडेंट भी हुआ था यहाँ? निश्चित रूप से यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें लोगों के लगी भी है, तो निश्चित रूप से अगर वो खड्डे नहीं भरेंगे तो लगेंगे, एक्सीडेंट भी होंगे। देखिए, स्मार्ट सिटी बन रही है, निश्चित रूप से अच्छे शहर बन रहा है, शहर को स्मार्ट भी बनना चाहिए, लोगों को भी स्मार्ट बनना चाहिए, लेकिन रोड स्मार्ट होना जरूरी है। भाईसागर रोड की स्थिति तो बहुत ख़राब है, वहाँ के लोग तो कह रहे हैं कि ये स्थिति है कि कोई कहता मैंने बनवाई सड़क, वो कहता मैंने बनवाई, लेकिन वहाँ के लोगों से पूछो कि उनका जीना दुश्वार हो गया, जो यहाँ से आते जाते हैं, हमारे कई मित्र वहाँ गिर चुके हैं, लेकिन बहुत स्थिति ख़राब है शहर की और उन खड्डों को भरना चाहिए, अगर खड्डे नहीं भरते तो सड़कें बननी चाहिए। गोपाल बंजारा।